आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज हम प्रसिद्ध बांसुरी वादक और राष्ट्रवादी पंडित पन्ना लाल घोष को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1911 को बारिसाल में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बारिसाल में युवावस्था के दौरान पन्ना लाल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और अपने करियर के प्रारंभिक चरण में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर और काजी नजरुल इस्लाम के प्रभाव में आए, जिन्होंने उनमें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पैदा करने में मदद की। 1928 में घोष व्यायाम शाला में शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मार्शल आर्ट्स, मुक्केबाजी और लाठी चलानी सीखी। जैसे जैसे वो स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक सक्रिय होते गए, ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें वहां से कोलकाता जाना पड़ा। उनके बचपन के दोस्त और बहनोई अनिल विश्वास भी कोलकाता आ गए। कोलकाता में पन्ना लाल ने अपने संगीत कौशल का उपयोग किया और संगीत रचना में सहायता की। 1940 में वो अपने संगीत करियर को और आगे बढ़ाने के लिए बॉम्बे चले गए और बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो में शामिल हो गए। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में संगीत दिया। अलाउद्दीन खान के शिष्य पन्ना लाल को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वो सच्चे देशभक्त थे। पन्ना लाल घोष ने 1951 में राष्ट्रवादी फिल्म आंदोलन के लिए जोशीले गीतों को संगीत दिया। इस फिल्म में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वास्तविक फुटेज हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के भाषण इस फिल्म की कथा में शामिल है। घोष का संगीत तकनीक और विशेषज्ञता के अनूठे संगम का उदाहरण है, जो बीनकार परंपरा की विशेषताएं हैं। पन्ना लाल घोष 1956 से 1960 में निधन तक आकाशवाणी के ऑर्केस्ट्रा के संचालक रहे। 1960 में मात्र 48 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इन वर्षों में उन्होंने कलिंग विजय और ऋतुराज जैसी कई रचनाओं का सृजन किया। महान राष्ट्रवादी और संगीतकार पन्ना लाल घोष को हमारा नमन।